ज्यादा दिन नहीं करना, कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। वेलकम बैक टू माई चैनल। हाई, आई एम अभिषेक मिश्रा। इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। सो स्टार्ट दिस वीडियो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आर यू फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? आर यू बिल्डिंग अ प्रोकेस्टिनेट माइंडसेट एंड वॉन्ट टू चेंज दिस हैबिट? वीडियो इज फॉर यू, वॉच अंटिल द एंड। किसी भी हैबिट को बिल्ड करना उतना आसान नहीं होता और उतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर आप अपने आप को मजबूर करते हो पढ़ने के लिए, आपको आदत बनानी ही होगी। जैसे आप इस कोरोना के दौर में आप मास्क लगा कर घूम रहे हो और घर के अंदर बंद हो, वैसे ही आपको मजबूत इरादा चाहिए स्टडी के लिए। मेरे साथ 21 डेज चैलेंज लीजिए और ये 21 डेज आपको आपके मंजिल के पास ले जाएगी। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आई डेयर यू टू कम्प्लीट इस 21 डे चैलेंज। This challenge is for those who are struggling in their studies and want to study, but they are not getting any motivation to study. And for those who thinks when the right time come, they will start studying. So, ये आपका सही समय आ चुका है, आप start कर दो study करना। This challenge will help you to develop a strong habit of study. So I want you guys to take this 21 day challenge by yourself to build a habit of study. So, ये challenge specially 3 types के people के लिए है। First, those who want to study but they are not getting any motivation to study. Second, those who want to make studies their habit. Third type of people, जिनकी परीक्षा postpone हो चुकी है due to COVID और वो फ्लुएंसी खो चुके हैं पढ़ाई करने का और वो फिर से अपना स्टडी करने का रूटीन चाहते हैं। तो ये वीडियो इन 3 टाइप के पीपल्स के लिए है। एवरी चैलेंज हैज इट्स ऑन रूल। तो इस चैलेंज के लिए भी 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, फिक्स्ड योर स्लीपिंग साइकिल। लाइक अगर आप 10 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो तो ये आपको 21 डेज तक फॉलो करना है। रूल नंबर 2, फिक्स्ड योर मिनिमम स्टडी आवर्स। लाइक अगर आप 6 घंटे स्टडी करते हो तो आपको 21 डेज तक मिनिमम 6 आवर्स पढ़ना ही है। आप किसी भी दिन 6 आवर्स से कम नहीं पढ़ सकते। माय नेक्स्ट रूल, देयर इज नो डे ऑफ विदाउट एनी ब्रेक। आप किसी दिन छुट्टी नहीं ले सकते हो ये पूरे 21 डेज। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको ये 4 फैक्टर मोटिवेट करेगा। सेट योर मंथली टारगेट। मान लो आपको आपका कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको कंप्लीट करना है इस मंथ में, तो आप अपना एक मैक्रो प्लान बनाओ। तो इसके बाद आप सेट योर वीकली टारगेट। अब मैक्रो प्लान बना लिया कि ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, तो वीकली आप डिवाइड कर लो कितने चैप्टर हैं उस सब्जेक्ट में, तो उस वीक में आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, सेट योर डेली रूटीन। आप अपने हिस्ट्री चैप्टर जो वीकली डिसाइड किए हो माइक्रो प्लान में, तो उनमें देखो कि आप इस डे को आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो। नेक्स्ट, ट्रैकर। आप पूरे 21 डेज का ट्रैकर बनाओ और इसको A4 साइज में आप बना सकते हो और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। उसके बाद उसमें आप डेली जिस दिन आप पढ़ाई किए हो उसमें क्रॉस लगा दो और जिस दिन नहीं किए हो उसमें ब्लैंक छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आपको अलग टाइप का मोटिवेशन मिलेगा। Changes will happen after completing this challenge. Shall we be the topper? Definitely no. So, 4 changes will occur after completion. First, the subject we selected will be complete. हमने जो subject choose किया था history, वो आप देखोगे कि आपने उस duration में इस subject को complete कर लिया है. Second, within us a confidence developed that we can achieve any goal. By doing this, आप 21 days अगर पूरे अच्छे effort के साथ करते हो तो आपके अंदर एक ultimate type का confidence build हो जाएगा। Study must have become your strong habit. अब तक आपने 21 days जैसे मैंने बताया अगर कर लिया होगा
तो आपको देखोगे, फाइंड करोगे कि आपका ये एक स्ट्रांग हैबिट हो चुका है, अब आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा अगला टिप था। सो थ्री थिंग कैन चेंज योर लाइफ, फर्स्ट फोकस, सेकेंड डिसिप्लिन, थर्ड कंसिस्टेंसी। सो माई गोल्डन रूल इज हियर, सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट बिल्डिंग द न्यू। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम अप्रोच कर रहा है या फिर वो किसी मोटिवेशन का वेट कर रहे थे। तो ये आपका सही समय आ चुका है। आई डेयर यू टू कम्प्लीट 21 डे चैलेंज। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आज का डेट और आप चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो, और चैलेंज 21 डेज के बाद आप मुझे उसी कमेंट पर रिप्लाई मार देना। सो नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू टेक दिस चैलेंज एंड ऑल्सो होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.